हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीएड और डीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनका यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे सीटेट को लेकर। अगर आपको यहाँ पर सेंट्रल लेवल की जॉब्स देनी है तो आपको सीटेट होना कंपलसरी है, और ये यूटेट में भी आपकी जगह बना देता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड की जो टेट क्वालिफाई है उत्तराखंड में ही चलता है, और आपका यहाँ पर जो है सीटेट का फॉर्म भरने का मन है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क कितना है, कैसे आपको आवेदन करना है, और इसके लिए आप जो है कब तक आपका परीक्षा होनी है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन के बारे में, जो ऑफिशियली आ चुका है सीटेट का। तो देखिए दोस्तों, सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14/7/2022 को यहाँ पर सार्वजनिक सूचना जारी कर दिया गया है। और पिछले साल से आपका यहाँ पर सीबीटी के माध्यम से आपका टेस्ट होना शुरू हो चुका है, तो दूसरी बार है आपका। और इसमें आप जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा यहाँ पर जो है 2022 में सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड जो है यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के जो है 16वें संस्करण का जो है आयोजन करेगा, और 20 जो है भाषाओं जो है आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी परीक्षा है, मापदंड है आपका वही रहेगा जो आपके यहाँ पर बीएड हैं, डीएड हैं, ठीक है, आपके जो भी यहाँ पर अभी तक सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में चले गए होंगे, तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अगर सेकंड सेमेस्टर में हैं तो ही तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये उत्तराखंड के भी टेट के चल रहे हैं अभी, तो दोनों भर लीजिएगा, दोनों निकल जाएगा तो अच्छी बात है। सीटेट निकलेगा तो हर जगह काम आएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पर इनवैलिड जो होना था आपका 7 साल की जगह पर आपका यहाँ पर जीवन भर कर देगा, जब तक आपका रहेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, जब तक आपका है तब आप ही का रहेगा ये है, और कोई लिमिटेशन नहीं इसकी। और इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये का है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, एक ही पेपर का है। अगर दो पेपर के लिए भरना है, फर्स्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट पेपर आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और 6 to 8 के लिए सेकंड लेवल के लिए होता है आपका। तो दोनों भरना है तो 1200 रुपये लगेगा, और वहीं आपके SC ST जो विकलांग होंगे उसके लिए 500 रुपये का रहेगा एक फॉर्म, और दोनों फॉर्म फिल करना है तो 600 रुपये का रहेगा। इसकी जो एग्जामिनेशन तिथि है वो आपके दिसंबर में होगी। ठीक है, तो परीक्षा की जो तिथि है वो आपका दिसंबर में प्रस्तावित करा है, तो दिसंबर में इसकी एग्जामिनेशन होनी है, तो दिसंबर तक आप तैयारी कर सकते हैं सीटेट का। बाकी यूटेट वाले मेरे ख्याल से सितंबर में एग्जाम है, और 30 तारीख इस महीने या 27 तारीख, 27 या 28 को है मेरे ख्याल से। ठीक है, यूटेट वाले फॉर्म फिल कर सकते, दोनों फॉर्म आपके आए हुए हैं, तो आप इन पर आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।